हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ATS क्लासेस में। बॉयलर पार्ट टू डिस्कशन इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। बॉयलर पार्ट वन का जिन डिस्कशन जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, मेरे जाकर देख लेना। बहुत ही फेमस टॉपिक है SSC JEE प्रीलिम्स के लिए। एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है अगर ये डिस्कशन सुन के जाते हो, क्योंकि डिस्कशन के साथ साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलता है, जिससे आपके जो भी क्वेश्चंस और भी सारे एग्ज़ाम में पूछे गए उन टॉपिक से वो भी यहाँ पे कंप्लीट करवाया जाता है। ठीक है, तो अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक है, आप जाकर देख सकते हो। चलिए, 25 क्वेश्चन तो मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, अब स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 26 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या, लंका सैलर जो बॉयलर होता है इसमें कितने फायर फ्लू ट्यूब्स होते हैं और कॉर्निस बॉयलर में कितना होता है, ये हमें बताना। हमें पता है कॉर्निस एंड लंका सैलर बोथ आर द फायर ट्यूब बॉयलर, और फायर ट्यूब बॉयलर जो भी होते हैं ना, इनको बोला जाता है लो प्रेशर बॉयलर बोलते हैं। तो लंका सैलर में दो होता है और कॉर्निस में जो होता है वन फ्लू ट्यूब्स होते हैं। क्लियर है। और कौन कौन से और एग्जाम्पल इसके होते हैं आपके फायर ट्यूब बॉयलर के, अगर इसकी मैं बात करूँ तो एक हो गया कॉर्निस, एक हो गया कॉकरन, ठीक है, एक हो गया लोकोमोटिव बॉयलर एंड सिंपल वर्टिकल बॉयलर। तो ये सारे एग्जांपल हो गए आपके फायर ट्यूब बॉयलर्स के, जो कि लो प्रेशर बॉयलर कहलाते हैं। ये अप टू 25 बार तक यूज़ होता है इनका। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, इज़ यूज फॉर पम्पिंग वाटर इन टू अ बॉयलर। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि जो पावर प्लांट होता है जो रखी जिसका वर्किंग प्रैक्टिकल वर्किंग साइकिल रैंकाइन साइकिल होता है, एक बॉयलर होगा, बॉयलर में स्टीम बनता है, ठीक है, और टरबाइन में भेजा जाता है, टरबाइन को घुमा के फिर वहाँ से जनरेटर लगा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, बचा स्टीम को भेजते हैं कंडेंसर में जहाँ से उसको हीट रिजेक्ट करके फिर उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसमें पंप के हेल्प से कहाँ भेज देते हैं, फिर उसको बॉयलर में भेज देते हैं। तो फीड पम्प क्या करता है, ये पम्पिंग वाटर को बॉयलर में भेजता है। फीड पम्प एक तरह का एसेसरीज होता है, एसेसरीज वो डिवाइस होती है जो बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। क्लियर है। फीड पम्प क्या होता है, एसेसरीज होता है। यहाँ पर इकोनोमाइजर भी क्या है, एक तरह का एफिशिएंसी होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए स्टीम एट द टर्बाइन एग्जिट ऑफ ए स्टीम पावर प्लांट ऑपरेटिंग ऑन द रैंकाइन साइकिल कैन बी डिक्रीज्ड बाय। देखो अगर ये TS डायग्राम है, क्या डायग्राम है, TS डायग्राम, तो हमें पता है कि अगर आइडियल वाला जो कंडीशन होता है कुछ इस तरीके से काम करता है, 1 से 2 टर्बाइन, 2 से 3 कंडेंसर, ठीक है, और 3 से 4 यहाँ पे पंप रहता है, 4 से 1 जो होता है यहाँ पे बॉयलर रहता है। तो अगर मान लो टरबाइन एग्जिट कर गया यहाँ पे अंदर आ गया, तो ये तो वेट रीजन में आ गया, और वेट रीजन मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन इज लेस देन 1, और ड्राइनेस फ्रैक्शन लेस देन का मतलब होता है वहाँ पे मास ऑफ वाटर वेपर प्लस लिक्विड के पार्टिकल्स दोनों होंगे। अगर लिक्विड के पार्टिकल्स टरबाइन के ब्लेड में लगेंगे तो इतना महंगा ब्लेड क्या हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा। तो इसको अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो हमें बीच में ही फिर से क्या करना पड़ेगा, इस जो हीट जो यहाँ स्टीम जो 1 से 2 तक एक्सपेंड कर रहा था एक ही टरबाइन में, उसको क्या करें, 2 टरबाइन का काम बांट देंगे। फिर यहाँ बीच में क्या करेंगे, स्टीम को रीहीटर में भेज के फिर से हीट करेंगे, फिर दूसरे आपके स्टीम टरबाइन में जाके उसको एक्सपेंड करके फिर उसको यहाँ पे कंडेंसर में भेजेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो आपके ड्राइनेस फ्रैक्शन एक्स जो है ना वो बढ़ जाएगी, और 2 टरबाइन से वर्क मिलेगा तो वर्क डन बाय टरबाइन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इससे एफिशिएंसी भी क्या होती है आपकी, बढ़ जाएगी। तो रेटिंग से आपका दोनों ही काम हो गया, ड्राइनेस फ्रैक्शन भी बढ़ गया और वर्क आउटपुट ऑफ टरबाइन भी बढ़ गया, तो इससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, रेटिंग बोला जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूजिबल प्लग इन स्टीम बॉयलर इज़ प्लेस्ड। तो फ्यूजिबल प्लग एक तरह का सेफ्टी डिवाइस होता है। इसमें क्या होता है कि मान लो अगर बॉयलर में जो मिनिमम लेवल ऑफ वाटर होता है अगर उससे भी ज़्यादा कम हो जाएगा तो वहाँ पे आग लगने की चांसेस हो जाती है। तो इस आग को बुझाने के लिए जो डिवाइस, सेफ्टी डिवाइस जिसको माउंटिंग्स भी बोलते हैं, वो यूज़ किया जाता है, उसका नाम है फ्यूजिबल प्लग। ये किस चीज़ का बना होता है, ये गन मेटल का एलॉय होता है। गन मेटल मतलब क्या हो गया, कॉपर प्लस जिंक प्लस टीन का से मिलके बना होता है। कौन, फिजिबल प्लग। ये कहाँ लगाया जाता है, एट दी क्रॉन ऑफ दी फर्नेस। ठीक है, तो फर्नेस में ये आग बुझा देगा अगर बॉयलर में जो लेवल होगा मिनिमम लेवल जो होता है उससे भी अगर कम वाटर हो गया तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्लोज कंटेनर इज टर्म्ड एज बॉयलर इफ इट्स वॉल्यूम एक्सीड। तो एक IBR होता है जिसको बोलते हैं इंडियन बॉयलर रेगुलेशन एक्ट 1950 का है। तो ये डिसाइड करता है कि किस क्लोज्ड वेसल को बॉयलर बोलना है या नहीं बोलना। आप जिससे सुनते हो ना कि प्रेशर कुकर बॉयलर है कि नहीं, भैया मैं बोलूँगा बॉयलर वो होता है जिसका वॉल्यूम 22.75 लीटर से ज़्यादा रहेगा, जिस क्लोज्ड वेसल का जो स्टीम को प्रोड्यूस करता हो। ठीक है, तो क्या उसका वॉल्यूम रहता है प्रेशर कुकर का इतना ज़्यादा नहीं रहता, तो वो बॉयलर नहीं है। समझ में आ गया। और क्या बोल सकते हो, 5 गैलन के बराबर भी जिसका वॉल्यूम रहेगा ना
वो भी एक तरह का बॉयलर ही कहलाएगा। 5 गैलन क्या होता है कि 1 गैलन इज इक्वल टू जो होता है 4.5 लीटर होता है, क्लियर है। चलो तो 5 गैलन भी अगर आता तो यहाँ पर आंसर ठीक हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जांपल ऑफ बॉयलर इज कॉर्निश बॉयलर। तो भाई कॉर्निश बॉयलर हो, चाहे कोकरण बॉयलर हो, चाहे लोकोमोटिव बॉयलर हो, चाहे आपका लंकाशायर बॉयलर हो, चाहे सिंपल वर्टिकल बॉयलर हो, ये सारे फायर ट्यूब बॉयलर कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ फायर ट्यूब आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर 4 हो जाएगा। और कॉर्निश बॉयलर में कितने फ्लू ट्यूब होते हैं, 1 होते हैं, और लंकाशायर में कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। 32 देखो, इफ़ वैल्यू ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन इज़ 0, इट इंडिकेट्स द वर्किंग फ्लूड इज़ एट। ड्राइनेस फ्रैक्शन 0 का क्या मतलब हो गया कि भैया अगर जहाँ पे लिक्विड प्लस वेपर दोनों का मिक्सचर रहेगा तो वेपर ड्रम बनेगा, इसको बोलते हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर कर्व बोलेंगे, ठीक है। बीच वाले रीजन को बोलते हैं वेट रीजन, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन। सैचुरेटेड लिक्विड का मतलब क्या होता है कि अगर आपका लिक्विड पार्टिकल जस्ट अबाउट टू कन्वर्ट इन वेपर में कन्वर्ट होने के रेडी हो गया तो उसको बोलेंगे क्या, सैचुरेटेड लिक्विड। और पूरी तरह से अगर वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको बोल देंगे क्या, सैचुरेटेड वेपर। उसके बाद भी अगर हीट देते जा रहे तो उसको बोल देंगे क्या, सुपर हीटेड स्टीम बोल देते हैं, क्लियर है। तो अगर यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन x इज इक्वल टू होता मास ऑफ वाटर वेपर अपन मास ऑफ वाटर वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। अब मुझे ये बताना कि अगर सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है तो यहाँ पे मास ऑफ वाटर वेपर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मास ऑफ वाटर वेपर जैसे ही आप यहाँ पे 0 करोगे तो x देखना यहाँ पे क्या निकल के आएगा, ये 0 निकल के आएगा, ठीक है। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन 0 का मतलब क्या हो गया, वो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन की बात कर रहा है। और x इक्वल टू 1 मतलब क्या हो गया, ये सैचुरेटेड वेपर लाइन की बात करता है। तो x का वैल्यू कहाँ से कहाँ होता है, ये लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 होता है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, स्टीम जेट ड्रॉट इज यूज्ड इन। ड्रॉट क्या होता है, ड्रॉट एक ऐसा टर्म होता है, मान लो फर्नेस है, ठीक है। तो फर्नेस में मान लो जो आप कोयला जलाते हो उसका जो गैस निकलता है बनता है, तो भाई वो जो फ्लू गैस है उसको भी तो बाहर एटमोसफेयर में भेजना पड़ेगा ना, तो उसको कौन भेजेगा। तो देखो एक ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि जो फ्लू गैस मतलब जो फर्नेस के जो अंदर प्रेशर रहेगा और एटमोसफेयर में भी प्रेशर है, तो अगर प्रेशर का डिफरेंस कर दिया जाए, मान लो फ्लू फर्नेस का गैस का प्रेशर ज़्यादा हो और यहाँ का प्रेशर कम हो, तो क्या होगा, ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर मतलब फ्लू गैस जो होता है हमें अपने बाहर चला जाएगा, कहाँ पे, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ड्रॉट बोल देते हैं। ये ड्रॉट भी दो तरह के ड्रॉट होते हैं, एक होता है आर्टिफिशियल ड्रॉट होता है जो हमारे द्वारा मतलब अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, एक होता है नेचुरल ड्रॉट जो चिमनी वगैरह देखते हो वो नेचुरल ड्रॉट होता है आपका। तो जो लोकोमोटिव होता है, जो ये जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर दिया ना हमने कहाँ पे, फर्नेस के अंदर में और एटमॉस्फेयर में, जिस डिफरेंस के कारण फ्लू गैसेस जो होता है फर्नेस से अपने आप बाहर निकल के एटमॉस्फेयर में चली जाती है, तो इस प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने का जो जो चीज़ आप बोल रहे हो उसी को हम लोग ड्रॉट बोलेंगे, ठीक है। तो स्टीम जेट ड्रॉट जो होता है वो लोकोमोटिव बॉयलर में यूज़ किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि ड्रॉट क्या होता है, जो प्रेशर डिफरेंस हम लोग क्रिएट कर देते हैं कहाँ पे, ड्यू टू फ्लू गैसेस को बाहर निकालने के लिए, उस टर्म को हम लोग ड्रॉट बोल देते हैं। लंकाशायर हो चाहे कोकरण हो चाहे लोकोमोटिव, ये सारे फायर ट्यूब बॉयलर के एग्जांपल है। फायर ट्यूब बॉयलर्स आपके लो प्रेशर बॉयलर्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेसरी ऑफ बॉयलर। एसेसरी का मतलब क्या होता है भैया, जो बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है। एयर प्रीहीटर, इकोनोमाइजर, वाटर पंप फॉर फीडिंग जिसको हम लोग फीड पंप बोलते हैं, ये सारे आपके क्या हो गए, ये एसेसरीज हो गया। और कौन कौन से हो जाएगा, सुपर हीटर भी हो गया, ठीक है। तो ये सारे आपके एसेसरीज हैं, ये कंडेंशर एसेसरीज नहीं है, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35 का, फिजिबल प्लग इज यूज इन बॉयलर टू। देखो फर्नेस का क्राउन में इसको हम लोग लगाते हैं, ठीक है, और ये आग को बुझाने का काम करता है। ये एक तरह का क्या, माउंटिंग है, मतलब सेफ्टी डिवाइस है बॉयलर के लिए, ठीक है। ये गन मेटल का बना होता है, मतलब कॉपर प्लस जिंक प्लस टीन का मटेरियल का बना हुआ रहेगा। और कॉपर प्लस जिंक को ब्रास बोलते हैं, और कॉपर प्लस टीन को क्या बोलते हैं, ब्रॉन्ज बोलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 36, ऑपरेटिंग प्रेशर फॉर वंस थ्रू बॉयलर इज। देखो ये जो टी एस डायग्राम, ये जो पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, क्रिटिकल पॉइंट, जहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड और सैचुरेटेड वेपर मिलते हैं और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यहाँ पे आके 0 हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ लिक्विड तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो इस प्रेशर के ऊपर जो बॉयलर काम करता है उसको बोलते हैं क्या, वंस थ्रू बॉयलर बोलते हैं, या तो सुपर क्रिटिकल बॉयलर बोला जाता है, ठीक है। वंस थ्रू बॉयलर का एग्जांपल कौन सा हो गया, बेंसन बॉयलर, जो कि एक वाटर ट्यूब बॉयलर है। ये सुपर क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पर काम करता है, मतलब इस पॉइंट पे जो प्रेशर होता है ये लगभग 222 बार होता है, मतलब 222 बार के ऊपर ये बॉयलर काम करेगा। और इसका जो टेम्परेचर होता है क्रिटिकल पॉइंट पे, ये होता है 374 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आए हुए हैं, क्लियर है।
तो ऑपरेटिंग प्रेशर फॉर वंस थ्रू बॉयलर कितनों का सुपर क्रिटिकल आपका होता है प्रेशर, ठीक है, और टेम्परेचर भी सुपर क्रिटिकल होगा, क्लियर है। और इसमें जो ये ड्रमलेस भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लिक्विड और वेपर का मिक्सचर होता ही नहीं, इसलिए ड्रम का यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि लिक्विड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे ड्रम जीरो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 37, पिक द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फायर ट्यूब बॉयलर। फायर ट्यूब बॉयलर आपको मैं यहीं से बता देता हूँ, कोकरण बॉयलर, कॉर्निस बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर, लंकाशायर बॉयलर एंड सिंपल वर्टिकल बॉयलर। तो देखो इसमें से करेक्ट एग्जाम्पल क्या होगा, कोकरण बॉयलर, बाकी विल बेबकॉक एंड विलकॉक्स, बेंसन, लामोंट, लोइफलर, ठीक है, स्टिरलिंग, दिज ऑल आर द वाटर ट्यूब बॉयलर। और वाटर ट्यूब बॉयलर को ही बोला जाता है हाई प्रेशर बॉयलर बोला जाता है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 38 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर फ्लू गैस फॉर ऑपरेशन। तो इंजेक्टर को भैया फ्लू गैस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है वर्किंग के लिए, ठीक है। इकोनोमाइजर क्या करता है, ये आपका जो बॉयलर में जो वाटर फीड वाटर जो भेजते हैं उसको पहले हम लोग पहले इकोनोमाइजर में भेज देंगे। इकोनोमाइजर कुछ नहीं होता, ट्यूब्स होते हैं, इन ट्यूब्स में वाटर मान लो फ्लो कर रहा है और चारों तरफ से जब यहाँ पर गैस को फ्लो करवा दिया जाता है फ्लू गैस को, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो वाटर होता है इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये जब इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा उसके बाद जब ये बॉयलर में जाएगा तो बहुत कम हीट देने से जल्दी क्या हो जाएगा, स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इकोनोमाइजर एक तरह का एक्सेसरीज होता है जो आपका बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 39, स्टीम ट्रैप इन बॉयलर इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर। तो ये डिस्चार्जिंग द कंडेंसेट और नॉन कंडेंसेट ऑफ पार्टिकल ऑफ गैसेस को डिस्चार्ज करने के लिए यूज किया जाता है, किसका, स्टीम ट्रैप का, जिसका आंसर वन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखो, बॉयलर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वंस थ्रू बॉयलर, मतलब जिसको ड्रमलेस बॉयलर जो कि सुपर क्रिटिकल बॉयलर भी कहा जाता है, वो क्या, बेंसन बॉयलर। और सुपर क्रिटिकल का मतलब क्या हो गया, जहाँ पर प्रेशर 222 बार के ऊपर काम करेगा और टेम्परेचर लगभग 374 डिग्री सेल्सियस के ऊपर काम करेगा, इसलिए इसका बेंसन बॉयलर एग्जाम्पल हो गया। इसमें सारे बेंसन एंड लामोंट हो चाहे सारे बॉयलर ये आपके हाई प्रेशर बॉयलर के एग्जाम्पल है, और हाई प्रेशर बॉयलर किसको बोला जाता है, वाटर ट्यूब बॉयलर को ही बोला जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 41, ड्रॉट इज प्रोड्यूस्ड इन लोकोमोटिव इज बॉयलर बाय। ड्रॉट क्या होता है कि प्रेशर डिफरेंस क्रिएट कर देना फर्नेस में और एटमॉस्फेयर में, जिससे ये फ्लू गैसेस अपने आप प्रेशर डिफरेंस के कारण ये एटमॉस्फेयर में चला जाए। तो स्टीम जेट यूज किया जाता है ड्रॉट प्रोड्यूस करने के लिए, कहाँ पे, लोकोमोटिव बॉयलर में। लोकोमोटिव बॉयलर एक तरह का कैसा बॉयलर है, ये फायर ट्यूब बॉयलर है जिसको हम लोग लो प्रेशर बॉयलर भी बोला जाता है। 42 देखो, व्हाट इज़ द टिपिकल कंपोजिशन ऑफ द कास्टिंग एम्प्लॉयड इन ऑयल फायर्ड बॉयलर। तो ये होता है 50% निकेल एंड 50% क्रोमियम, ठीक है। क्रोमियम जो होता है स्टील में क्यों मिलाया जाता है, फॉर कोरोजन रेजिस्टेंस। 43 क्या, व्हाट इज़ अ लोकोमोटिव बॉयलर। तो भाई बार बार तब से चिल्ला रहा हूँ ना, लोकोमोटिव बॉयलर कैसा होता है, ये एक फायर ट्यूब बॉयलर होता है, ठीक है। लोकोमोटिव हो चाहे आपका लंकाशायर हो, कोकरण हो, कॉर्निस हो या सिंपल वर्टिकल बॉयलर हो, ये सारे फायर ट्यूब बॉयलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 44, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज फॉर प्री हीटिंग द एयर बिफोर इट इज सप्लाई टू बॉयलर। मतलब बॉयलर में सप्लाई होने से पहले ही उस वाटर को हीट कर दिया जाता है। तो ये जो ट्यूब जिसमें हम लोग वाटर को भेजते हैं और चारों तरफ गैस को क्या करते हैं, फ्लो करवा देते हैं, जिससे इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसी डिवाइस को तो नाम क्या दिया गया, इकोनोमाइजर दिया गया है, ठीक है। इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 45 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड बाई डेवलपिंग मल्टीपल गेज क्लासेस इन ए बॉयलर। तो वो लेवल के द्वारा से हम लोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 46 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटिंग प्रोटेक्ट्स द बॉयलर अगेंस्ट डैमेज द ड्यू टू ओवर हीटिंग ड्यू टू लो वाटर लेवल। मैंने क्या बताया, वाटर लेवल कम हो जाने से क्या होगा, ओवर हीटिंग की चांसेस बढ़ जाती है, तो उस डैमेज को कम करने के लिए फ्यूजिबल प्लग का यूज़ किया जाता है। फ्यूजिबल प्लग एक तरह का सेफ्टी डिवाइस है, ये सारे स्टॉप बॉल, फिड चेक बॉल, ब्लो अप कॉक, ये सारे बॉयलर के माउंटिंग्स होते हैं, मतलब ये सेफ्टी डिवाइस होते हैं बॉयलर को। ब्लो अप कॉक क्या होता है, जो मर्ड वगैरह जमा हो जाता है या सॉलिड पार्टिकल जो जमा हो जाता है बॉयलर्स में, उसको बाहर करने के लिए ब्लो अप कॉक का यूज़ किया जाता है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी 2। 47 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज फॉर मिक्सिंग एयर विथ फ्यूल सप्लाई। तो वो हो गया बूस्टर फैन, 47 का आंसर 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 क्या, फ्यूजिबल प्लग इन बॉयलर आर मेड ऑफ। तो मैंने आपको बताया था ये जो होता है गन मेटल का एलॉय होता है। गन मेटल क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक प्लस टिन। और कॉपर प्लस जिंक को क्या बोल देते हैं, ब्रास बोल देते हैं, और कॉपर प्लस टिन को क्या बोलते हैं, इसको ब्रॉन्ज बोला जाता है, क्लियर है। तो इसलिए इसका आंसर हो गया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 देखो क्या है, द प्लेटफॉर्म
ऑफ द बॉयलर वेयर बर्निंग ऑफ फ्यूल टेक प्लेस इज नोन एज। मान लो ये फर्नेस है और जिस जगह पे ये रख के कोयला को जलाएगा उस जगह को बोला जाता है क्या, ग्रेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रेंज ऑफ द लेंथ ऑफ अ कॉर्निस बॉयलर। तो कॉर्निस बॉयलर का जो लेंथ होता है 4 to 8 meters। याद करो इसका, इसमें कितने फ्लू ट्यूब्स थे, इसमें जो फ्लू ट्यूब्स की संख्या थी ये 1 थी और लंकाशायर बॉयलर में 2 थी। कॉर्निस हो, कोकरन हो, चाहे आपका लंकाशायर हो, ये सारे कौन सा बॉयलर है, फायर ट्यूब बॉयलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, हाउ इज़ अ हाई प्रेशर बॉयलर क्लासीफाइड। तो हाई प्रेशर बॉयलर जो होता है अकॉर्डिंग टू IBR इंडियन बॉयलर रेगुलेशन जो है, ये प्रेशर कितना होना चाहिए, 80 bar से ज़्यादा होना होगा, तो उसको हम लोग हाई प्रेशर बॉयलर बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ बेबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। तो बेबकॉक एंड विलकॉक्स हो, चाहे लामंट हो, ठीक है, चाहे लामंट हो, चाहे लोएफलर हो, चाहे स्टिरलिंग हो, चाहे बेंसन हो, ये सारे वाटर ट्यूब बॉयलर है या हाई प्रेशर बॉयलर है। बेंसन बॉयलर क्या है, जिसमें ड्रमलेस है, जो कि इसमें ड्रम जीरो होती है, ये सुपर क्रिटिकल बॉयलर है, इसको वंस थ्रू बॉयलर भी बोला जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 52 का 1 हो जाएगा, ठीक है, वाटर ट्यूब बॉयलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस फॉर दिस वीडियो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंटेनेंस मेथड ऑफ बॉयलर। तो ये सारे मेंटेनेंस मेथड है बॉयलर भैया, इतने सारे इसमें डिवाइसेस यूज किया जाता है, तो टाइम टाइम पे इसको क्या मेंटेनेंस लगाया जाता है इस पे, ठीक है। तो इसको केमिकल लेप ऑफ जो होता है ये मेंटेनेंस मेथड नहीं है, बाकी सारे मेंटेनेंस मेथड है। ये सारे बॉयलर जो है आपके क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 करके मैंने इसको डिस्कस किया है। आई होप डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, और सारे क्वेश्चन इसी से आपके आने वाले हैं। तो अगर काम की चीज़ लगे तो दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर लेना, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।